हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तबसुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं मेरी लाइफ के सबसे पहले व्लॉग को, और ये व्लॉग होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि हम जा रहे हैं किसी से मिलने। उनका नाम है मनोज दे। अगर आप नहीं जानते मनोज दे कौन है तो मैं आपको बता दूं, ये इंडियन यूट्यूबर है और यूट्यूब के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते हैं। उनका मीटअप है मुंबई के ओबराय मॉल में, तो हम भी वहीं जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या खास बातें होती है मनोज दे भाई के साथ। तो प्लीज़ इस वीडियो पे बने रहे और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा व्लॉग। So, हम लोग इस वक्त जो है ऑन द वे है ओबराय मॉल के लिए। सो प्लीज इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेगा एंड तक, और काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वहाँ पे, और भी काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स आने वाले हैं, मनोज दे के अलावा अजय भाई भी आने वाले हैं प्रजापति, तो हम उनसे भी मिलेंगे। तो आगे वीडियो जो है ये ब्लॉग है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज उसे एंड तक देखिएगा। एक बात सब लोग सुन लो भाई, एक बात सुन लो। एक यूट्यूबर बनने के लिए ऐसा नहीं है कि आपका गोरा चिट्टा चेहरा होना चाहिए, हेयर स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, मनोज भाई जो है ये एग्जांपल सेट कर दिए है। अगर आपके कंटेंट में दम है तो फिर आपके सब्सक्राइबर ऐसे फाड़ की तरह जो बढ़ेंगे। देखो भाई, एक बात मैं बताता हूँ, आप एक गोरे वोरे की बात कर रहे हो ना, मैं तो फिजिकली विकलांग हूँ, इसलिए एक बात दिमाग में घुसा लेना, विकलांग इंसान शरीर से नहीं होता, मन से विकलांग होता। बहुत बढ़िया, खूबसूरती तो मोहताज नहीं होती, मैंने वीडियो भी बनाई थी। अगर किसी ने मिस कर दी हो तो प्लीज देखिए ये वीडियो। क्या कामयाबी के मोहताज नहीं होती यहाँ पे, 250-300 कैमरे लगे हुए हैं, कैप्चर कर रहा हूँ। मुझे देखे तो मालूम पड़ेगा भाई, जरूरत पड़ती है तो एक चीज की, वो होती मोटी। बात बात सही है। तो मैं खाने में आ गए हूँ मीटअप पे, ये देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, आप सबको जैसा पता था कि ओबराय मॉल पे हमारा मीटअप था, लेकिन वहाँ पे कैमरा ऑन नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ से करीब एक पार्क है, क्या नाम है, सिद्धार्थ पार्क, उस पार्क के अंदर मीटअप हो रही है। अगर कोई गेट्स आ रहे हो वहाँ पे हो तो यहाँ पे आकर के मिल लेना, सामने है, मॉल के सामने ही। पूछ नहीं सकते हो, आपका हो गया सिस्टर? नहीं हुआ, नहीं आप चले जाओ अंदर। अरे अरे सामने थोड़ा ही सिस्टर को भी थोड़ा सामने बोलो जी, बोलेंगे कुछ, कहेंगे कि मोटो ब्लॉग करना चाहिए। टनल हिना पाई तबसुम, मैं तबसुम, आज हम लोग मीटअप में आए हैं मनोज दे भाई के। आपको मैं एक्सक्लूसिवली यहाँ दिखा रही हूँ कि मनोज दे सर आ चुके हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरे मैं हम लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और आप यहाँ पर आए हमसे मिलने के लिए। आप इतने बिजी शेड्यूल में आपने इतना समय दिया कि आप यहाँ पे आए हमसे बातचीत करने के लिए। नए यूट्यूबर्स को, नए क्रिएटर्स को काफी मोटिवेशन मिलेगा इस फ्री से भी। और इसके अलावा मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। आपको सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा मेहनत के साथ अपने हर स्मॉल क्रिएटर्स का, बड़े क्रिएटर्स का दिल जीता है और उनको काफी मोटिवेशन दिया है, तो आप उसके बारे में कि आपको कैसे मोटिवेशन मिलता है इसके रिगार्डिंग आप कुछ कहेंगे? देखिए, मैं YouTube पे जब आया था तो मैं भी ये चीज नहीं मैंने सोचा था कि इतना ज्यादा जो है मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा या फिर आप सबका इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट मिलने लगे। फर्स्ट मैं जस्ट काम कर रहा था YouTube पे, ज्यादा कुछ किया नहीं, और शायद से एक वीडियो था जिससे मेरी किस्मत बदल ली।
उसमें क्या था कि मेरे चार महीना तक मेरा जो है चैनल अंडर रिव्यू में था, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था, अंडर रिव्यू में था। मेरे रात रात भर में सोता नहीं था क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन बनी हुई थी कि कब मोनेटाइजेशन इनेबल होगा, कब मुझे वो मेल आएगा कि आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया। तो चार महीने तक वेट करने के बाद जब मोनेटाइजेशन फाइनली इनेबल हुआ चार महीने बाद, तो जब मैंने सुबह उठ करके वो मेल देखा ना, तो मेरा इतना ज्यादा खुश था मैं उसे, मैं बयां ही नहीं कर पा रहा था। तो उसको मैंने एक वीडियो बना दी थी यूट्यूब पे सिर्फ कि मेरा मोनेटाइजेशन फाइनली इनेबल हो गया, उसमें मैं बहुत ज्यादा खुशी जाहिर किया। वो वीडियो अभी भी चैनल पर, तो उस वीडियो पे क्या हुआ कि 18K व्यूज आ गए 3 डेज में, जो कि सबसे क्विक व्यूज, उतना मेरे कोई भी पिछले वीडियो में ऐसा व्यूज नहीं आया। उसके बाद से मैंने देखा कि यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस बनाने से ऑडियंस का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ऑडियंस जानना चाहती है, सीखना चाहती है, बिल्कुल। तो मैंने फिर उसी ट्रैक को जो है पकड़ा, और आज तक देखिए वही काम कर रहा हूँ। डीमोटिवेट इस बात से भी हो जाता है कि व्यूज नहीं आता है। मैं बताना चाहूंगा, मेरे जब 50K सब्सक्राइबर्स हो गए ना, 50,000, जब मैं यूट्यूब टिप्स नहीं देता था, तब भी मेरे 700-800 व्यूज आते, लेकिन मैंने फिर भी कभी नई वीडियो बनाना छोड़ा। इसका मतलब सर हुआ कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना, पचास हजार सब्सक्राइबर्स में 700-800 व्यूज आते, तो उस टाइम मेरे जगह में कोई होता तो छोड़ देता। सही बात है। तो मनोज जी सर, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जैसे मोनेटाइजेशन बहुत से लोगों का एडसेंस डिसेबल्ड होता है व्यू लो होने की वजह से, तो आपने अपने चैनल को कैसे मैनेज किया? मेरा जो है फर्स्ट में तो एक मोनेटाइजेशन डिसेबल हुआ था, टेक्निकल मनोज चैनल जो था जी। तो उस पर मैंने पता चला था मुझे कि कम व्यूज आने से क्या होता, CTR हाई होता है। बराबर। तो मैंने जब नेक्स्ट टाइम मेरा जब यूट्यूब चैनल मैंने मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ ना, तो उस टाइम मेरा 34K सब्सक्राइबर था, उस टाइम मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ, तो उस टाइम मेरे व्यूज अच्छे खासे आ जाते थे, 1K 2K, मैंने K में व्यूज आता था। अगर आपका K में व्यूज आ रहा है ना, तो नहीं होगा CTR हाई। नहीं सॉरी, 1000 पर वीडियो अगर एवरेज व्यूज आ रहा है तो ठीक है, वरना क्या करना है कि आपको एडसेंस को जो है पर डे एक बार टाइम निकाल करके चेक करते रहना है कि CTR कहीं मेरा हाई तो नहीं हो रहा। अगर CTR हाई हो तो जो एड्स होता है उसको बंद कर देना है। ऐसा भी कर सकते हैं जो आपका वीडियो वायरल हो, जो बहुत ज्यादा चल रही होती है, ऊपर ऐड चालू करने के, बाकी ऊपर ऐड नहीं चालू करने, ऐसा भी कर सकते हैं, जिसके ऊपर ऑडियंस रिटेंशन आता है उसके ऊपर आप कर सकते हैं। तो उसके बारे में बताइए कि अगर मोनेटाइजेशन अगर हम उसको डिसेबल करके रखें या ऑफ करके रखें, तो उसको पूरे चैनल का डिसेबल करें मोनेटाइजेशन एड्स को, या फिर कुछ वीडियोस पे करें? चलिए मैं इस पे एक वीडियो में बताऊंगा, बना दूंगा इस पे कि आप ये भी पता कर सकते हो कि कौन से वीडियो पे इनवैलिड क्लिक्स आ रहे हैं। स्टार्टिंग में बस 100-200 व्यूज आते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, कि स्टार्टिंग में तो 100 कभी क्रॉस नहीं होता। तो मैं घर जाकर के एक इस पे वीडियो बनाऊंगा कि उसमें आपको पता भी चल जाएगा कि कौन से वीडियो के कारण से आपका CTR आया, तो उस वीडियो का ऐड आप बंद कर दोगे तो आपका CTR हाई नहीं होगा। और भाई आजकल मिलते हैं ऑटोमेटिक काम करते हैं, जितना आता है मतलब वो जो है 800 व्यूज दिखा और कल जाके YouTube का कहना है, इस पे ये है, मैंने बात किया था चैट पे, उसका कहना ये है कि स्पैम व्यूज होते हैं वो, ठीक है, एक ही बंदा का 3-4 अकाउंट से वो जब देख लेते हैं, अलग अलग एक को काउंट करता है बाकी 3 को माइनस कर देता है। मेरा एक वीडियो उसके ऊपर 850 व्यूज थे, उसको मैंने आज देखा तो उसके ऊपर 800 व्यूज है, मुझे भाई एक और चीज है कि एडसेंस में जिन लोगों का भी चैनल मोनेटाइज है, तो ये जो अर्निंग होती है वो कट होने का कारण बहुत है, मतलब बहुत से नए क्रिएटर्स है जिनका 1 साल पुराना 1.5 साल पुराना चैनल है, लेकिन $10 होते ही नहीं है, क्योंकि उनका जो अर्निंग है वो डिडक्ट हो जाता है। ये वाला बहुत बड़ा बिग इश्यू है, इतने सारे चैनल पर वीडियो बन रही है, सबको अपलोड करना, यूट्यूब का इसमें कोई साफ कहना नहीं है कि अर्निंग आखिर क्यों कट होती है। जब मान लीजिए आपको यूट्यूब का अर्निंग काटना ही है, तो आप ऐड ही क्यों करते हो यूट्यूब स्टूडियो पे? साफ बात है, आप काट करके ऐड करो ना, इसमें क्या होता है कि दुख होता है। मैं समझ रहा हूँ कि $100 जो है हम लोग का एक सपना रहता है कि कब कंप्लीट होगा, कब फर्स्ट पेमेंट आएगा। आप मान लीजिए इस महीने मैंने $25 कंप्लीट किए, फिर वो आधा काट लेता है, फिर $2 काट लेता है, $5 काट लेता है, इस पे ना यूट्यूब का भी साफ क्लियर कोई जवाब देता है, कुछ बोलता है, जब पूछा जाता है तो बोलता है इनवैलिड क्लिक की वजह से आपका ऐड आया, हो जाएगा ना, तो कुछ रीजन बताता ही नहीं हूँ। मैं खुद परेशान हूँ, मैंने 3-4 वीडियो भी मैंने बनाई, मेरा नया चैनल जो है एक्टर मनोज उस पर भी मेरा भी अर्निंग कटता है, पुराने वाले में भी कटता है, लेकिन क्या होता है कि समंदर से 2 बूंद पानी निकल जाए तो कम नहीं लगता है, वही बात है। यहाँ पर अर्निंग ज्यादा होता है तो 50-55 ये चीज सही हो जाता है जब आपका 2-3 पेमेंट आ जाता है, 2-3 पेमेंट जब आपका
फिर आपका अगर कटेगा भी तो ज्यादा नहीं कटेगा, आपको कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। मनोज जी का कहना है कि किसी को डिमोटिवेट नहीं होना, भले आपकी अर्निंग ड्रॉप आउट कर जाए बट आपको स्ट्रगल करते रहो। अभी यही चीज हो रहा है, नया चैनल का दो तीन जब तक पेमेंट नहीं आता आपका तब तक बहुत ज्यादा पैसे का, फिर जब दो तीन पेमेंट आपका रिसीव होने लगे फिर आपका अर्निंग नहीं कटेगा, और कटेगा भी तो बहुत कम पड़ता है, समझ में नहीं आएगा। मनोज भाई हेट कमेंट्स में सेल करते आपके अलग बहुत सारे रोज वीडियोस बने तो कैसे हैंडल करते हमारा सुबह उठे एक वीडियो देखा आपने? मैं देखता ही नहीं हूं, देखते ही नहीं, टोटली इग्नोर मतलब। एक महीने तक मैं तो सदमे में एक महीने और कोई होता है वैसे आपने कोई भी होगा वो छोटा यूट्यूबर है वो सदमे रहेगा क्योंकि उसका कारण उसने जितना स्ट्रगल किया होता है मुझे बताने लायक कुछ है ही नहीं ना, मैं सारे वीडियो पे तो बता ही चुका हूँ कि मेरा पेमेंट आने वाला था, मैंने कहा भी था पेमेंट आने को बता के रखा था, उसके बाद अचानक से एडसेंस डिसेबल्ड हो गया, तो उस टाइम आप समझ सकते कितना ज्यादा दुख हुआ होगा अंदर को भी। मेरे तो तीन दिन बार हुए मुझे पता क्या था दुख। आपके पास तीन तीन चैनल तो आप किस तरीके से मैनेज करते हो, जो मुझे मैसेज करते हैं मेल करते हैं और कहते हैं कि मनोज भाई का एटीट्यूड हो गया, ईगो हो गया, रिप्लाई नहीं कर पा रहा, भाई तीन तीन चैनल है मेरे जगह पे आप खड़े होकर देखो तो पता चलेगा। अपने फोन को मेरे पास रहता है लेकिन मैं फोन रिसीव नहीं करता हूँ, फोन आता है तो मेरा कोई साथ में रहता है या फिर अभी तो ये सुनील जी रहे, मेरा फ्रेंड है बासु, वो लोग हैंडल करता है, मैं फोन भी नहीं उठाता हूँ। मनोज मेरा एक सवाल है, लोग इसकी रिकॉर्डिंग जो है लोग मिमिक्री करते हैं आपके ऊपर, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? करें कोई बात नहीं, उन सबको कहना यही है भाई सक्सेस इंसान के ऊपर होता ही है, उनके लिए कुछ मैसेज मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ क्या रीजन है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कुछ कमियां ढूंढते हैं कि आखिर इस बंदे ने कहाँ पर गलत वर्ड बोला, कुछ कमी है, वो कमी निकाल करके वो रोस्टिंग करते हैं या फिर कुछ नेगेटिव, रीजन ये है वो मेरा नाम यूज करते हैं न्यूज के लिए और वैसे चैनल क्योंकि वो उन सब का कभी रोस्ट नहीं करते जो पॉपुलर नहीं, उनका रोस्ट करते हुए देखा आपने कभी? नहीं देखा, उनका भी तो गलती होता है वो सर नहीं करेंगे ना क्योंकि उनको उससे बेनिफिट है। लेकिन भाई आप लोगों को कॉपीराइट क्लेम क्यों नहीं देते? भाई कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों नहीं देते जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, आप चाहिए तो आप उनको कॉपीराइट। अरे वो भी मेहनत भाई का दिल बहुत बड़ा है, अरे वो अभी तो मेहनत कर रहे हैं ना, अरे लेकिन सीरियसली वो मेरा गलती ढूंढने के लिए मेरे वीडियोस भी तो देखता है। गलत सोचे नहीं और ना कभी सोचेंगे क्योंकि आज मैं अगर खड़ा हूँ तो मनोज भाई के कारण ही खड़ा हूँ, अगर मनोज भाई नहीं होते ना तो शायद अजय अजर आज नहीं बनता। इस बंदे के जज्बे को सलाम मैं करता हूँ, तीन बार इसका चैनल जो है डिसेबल्ड हुआ है, अब ये चौथे बार चैनल बनाने वाला था, इसका पास मेरा नंबर है, फोन करके ये रो रहा था रात में, मैंने बोला कि तुम्हारे जितने सब्सक्राइबर्स है ना मैं एक दिन में बना करके दूंगा, तुम रो मत। जो लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि हमको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, भाई देखो सपोर्ट इंसान करता है लेकिन अगर तुम्हारे अंदर दम है ना कुछ करने का तो बंदा सपोर्ट जरूर कर देगा, क्योंकि मैंने तीन बार अगर हार मानी नहीं मानी है, क्योंकि अगर मैं हार मान लेता ना तो ना आज मनोज भाई मेरे साथ होते ना ये मीटअप होता और ना मैं इधर खड़ा होता। बराबर तो दिए अपने अंदर मोटिवेशन इतना रखना चाहिए, अपने माँ बाप को समझना चाहिए क्योंकि माँ बाप कब तक मेहनत करेंगे, आपको भी वो करना चाहिएगा जो हमें सक्सेस देखने के बाद हमारे माँ बाप भी बोलेगा भाई किया तो मेरे बेटे ने करके दिया उसके जैसा बन के दिया। हेलो, अगर अभी आज के अभी जैसा देख सकते हो कि मुंबई ओबरे मॉल के जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सिंगल रूम में बहुत सारे जन हैं तो उनको वीडियो बनाने के लिए उतना टाइम नहीं मिलता, और अगर वो स्टूडेंट है शिवदान पार्क बॉय है तो आप जैसे बोलते हैं कि कम से कम डेली एक वीडियो तो भी डालना जरूरी है अगर आपका स्टार्ट करना है, राइट? सो वो क्या करे कि मतलब वो ऐसा स्टार्ट कर पाए, उसका कोई प्रॉब्लम ना है उनको, क्योंकि पर डे एक वीडियो डालना तो मुश्किल ही हफ्ते में नहीं होता। मेरा खुद का रूम नहीं था आपको पता है, छत छत पे जा जाके वीडियो बनाते थे, छत पे एक साल से खड़े रह के वीडियो बनाया भाई, स्पेस पे जाके कर सकते हो लेकिन किसी किसी के घर में यहाँ पर स्पेस भी नहीं है, तो क्या करें? मैं यहाँ पे यूट्यूबर का नाम लेना चाहूंगा जो कि मुंबई से ही है, नाम बताइए। टेक्नो रुहेस, ओह वाह, उनका बैकग्राउंड भी जाकर के देखना, उनके घर पे एक ही रूम था, एक ही छत के नीचे पूरे परिवार रहते थे, लेकिन उस बंदे ने बहुत मेहनत किया है, आज उनका व्यूज आज उनका चैनल देख सकते हो कि एक बड़े क्रिएटर के बराबर व्यूज आते हैं, राइट राइट, उन्होंने बहुत मेहनत की, सही है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा था कि वीडियोस भी बनाने बैठ जाए तो भी माँ बाप भी गालियां देते हैं, ऐसा क्यों? नहीं ये तो फिर कमियां निकालना भी बात है, आपका जुनून होगा ना तो आप कर पक्का, आप पढ़ाई पहले कम्प्लीट कर लो फिर यूट्यूब तो रखा, मिनिमम 12 करने के बाद आप जो है पार्ट टाइम कर सकते हैं, बराबर, लेकिन आप पढ़ाई छोड़कर करोगे तो ये बहुत
गलत बात है, क्योंकि YouTube पे भी अभी कंपटीशन है और सब चीज में किसी चीज में कंफर्म नहीं है 100% सियोरिटी किसी चीज में नहीं कि हो ही जाए। और हर जगह पे एजुकेशन की वैल्यू, हर जगह पे डिग्री की वैल्यू है, पढ़ाई बहुत ज्यादा होती है। सबके मन में एक क्वेश्चन ये भी आता होगा कभी कभी कि मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ उस पे तो ऑलरेडी हजारों वीडियोस बने हैं, ठीक है, तो इस चीज का मैं आंसर करता हूँ। सर हम आपका रूल फॉलो करते हैं, वो ट्रेंडिंग टॉपिक वाला। मैं वही वीडियोस बनाता हूँ जो ऑलरेडी बनी हुई है। क्या YouTube पे ये वीडियो नहीं है कि हाउ टू गेट फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स? आपको आपको क्या करना है, जितने वीडियोस YouTube पे है ना उनसे अच्छा वीडियोस कंटेंट समझाना, समझाने का तरीका अलग होना चाहिए। इम्पोर्टेंट सवाल, अगले 10 साल में मनोज जी कहाँ दिखते हैं अपने आपको, मतलब YouTube का चैनल और करियर दोनों मिला के? 10 मिलियन आराम से हो जाए, आराम से 10 साल 10 साल आप लोग का प्यार सपोर्ट चाहिए भाई, सपोर्ट तो क्यों नहीं होगा। लेकिन मेरे अभी अभी जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जितने व्यूज आते हैं ना, मैं उससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे ना 1 मिलियन चाहिए ना 10 मिलियन मेरे 600 के सब्सक्राइबर्स जो है ना वो मेरे लिए बहुत समझता हूँ, लेकिन हमें हम लोग को मेहनत भी आपसे होना चाहिए। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.